नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। देखिए मैं आया हूँ गन्ने के खेत में। आज इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा गन्ने में हमें सल्फर का प्रयोग कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, और साथ में इस वीडियो में जानेंगे कि गन्ने की पेड़ी में आपको कौन से फफूंद नाशक का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से कीटनाशक का इस्तेमाल करना चाहिए, और साथ में आप जानेंगे कि इसकी जो कल्लों को बढ़ाने के लिए आपको कौन सी दवा का छिड़काव करना चाहिए। तो आज की जो वीडियो है किसान भाइयों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, और आज इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा और पूरी वीडियो ज़रूर से देखिएगा, और वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आज पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो किसान भाइयों, बिना देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिकली गन्ने में सल्फर के काफी ज्यादा फायदे होते हैं, और इसे हम कब और कितनी मात्रा में प्रयोग करें यदि हम इसके बारे में बात करें तो गन्ना एक सल्फर चाहने वाली फसल होती है, क्योंकि सल्फर इसकी पैदावार को और गुणवत्ता की क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और सल्फर महत्वपूर्ण पोषक तत्व के रूप में अपनी भूमिका निभाने के साथ साथ एक प्रभावी कवकनाशी और अम्ली कारक भी होता है, जो कि रोग अवरोध और मृदा के पीएच को कम करने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। रस में चीनी की मात्रा और गन्ने के वजन को बढ़ाकर उपज और गुणवत्ता में काफ़ी ज़्यादा सुधार करता है, काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनाता है। और आपको सल्फर का प्रयोग कब करना है, कैसे करना है, यदि हम इसके बारे में बात करें, सल्फर को रोपाई के समय अपने खेत में 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से अपने गन्ने के खेत में बुआई के समय आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और यदि आप इस तरह की फसल आपकी हो चुकी है तो गन्ने की फसल में 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर को पहले या दूसरे पानी के साथ आपको जरूर से डालना चाहिए। और यदि हम बात करें गन्ना यदि आपका 120 दिन का हो गया है तो गन्ने में जिस टाइम पे मिट्टी चढ़ाते समय 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी गन्ने की फसल में सल्फर का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप इस तरह से सल्फर का प्रयोग करेंगे तो इससे जो आपकी पैदावार बहुत अच्छी रहेगी, और आज में किसी भी तरह का जो रोग है वो भी नहीं लगता है, गुणवत्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। अब हम बात करें कि यदि आपकी पेड़ी है, पेड़ी में आपको कब और कितनी मात्रा में क्या क्या दवाई का छिड़काव करना चाहिए। तो किसान भाइयों, जैसे कि हम बात करें कि गन्ने में कटाई के बाद गन्ना की पेड़ी में फसल पर फफूंद नाशक का कौन सा प्रयोग करें, कीटों के नुकसान से बचने के लिए कौन से कीटनाशक का इस्तेमाल करें, और कलियों में बेहतर फुटाव और बढ़वार के लिए कौन सी दवा का छिड़काव करें, और इसका बेहतर प्रबंधन कैसे करें, यदि हम इसके बारे में बात करें तो गन्ने की जो पहली फसल की कटाई के बाद फिर उसी बीजों से जो दूसरी फसल उत्पन्न होती है उसको हम पेड़ी के नाम से जानते हैं, और गन्ने की जो पहली फसल के बाद जो पेड़ी होती है उसकी पैदावार अक्सर कम होती है, लेकिन यदि हम अच्छे से उसका प्रबंधन करें, अच्छे से दवाई का इस्तेमाल करें तो उत्पादन हम काफ़ी अच्छा ले सकते हैं। और यदि हम दवाइयों के बारे में बात करें किसान भाइयों, तो इसमें आपको कार्बेंडाजिम 12% प्लस मनकोजैव 63% WP 2 ग्राम आपको लेना है, और प्रोफिनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% इसको आपको 3 ml लेना है, और NPK 19-19-19 आपको 5 ग्राम लेना है, और आपको मिक्स करना है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को जो कि 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ अलग अलग मिलाकर घोल बनाकर आपको अपनी फसल में छिड़काव करना है। यदि आप अपनी फसल में इस तरह से छिड़काव कर देंगे तो आपकी पेड़ी में जो बेहतर फुटाव होगा, बेहतर बढ़वार होगी, और आपकी पेड़ी में किसी तरह का भी फफूंद नहीं लगेगा, किसी तरह के कीट भी नहीं लगेंगे, और आपकी बंपर पैदावार होगी। तो यदि आप इन तरीकों को अपनाओगे तो किसान भाइयों आपको काफ़ी ज़बरदस्त मुनाफा भी होगा और आपकी फसल भी अच्छी रहेगी। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और ऐसी अच्छी जानकारी के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। और गन्ने की खेती के संबंध में मैं पहले बहुत सी वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहें तो उन वीडियो को भी देख सकते हैं, एंड स्क्रीन पर आपको उनका लिंक दिखाई दे जाएगा। तो फिलहाल यहाँ तक वीडियो को पूरा पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी अच्छी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।